अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड, आज हमने नेक्स्ट पढ़ना है नोमेनक्लेचर। ये जो कंप्लेक्स कंपाउंड थे, इन कंप्लेक्स कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है, हम नाम कैसे देते हैं, तो जो कंप्लेक्स कंपाउंड है इन्हें किसकी बेस पर नाम देते हैं, आयुपैक रोल के बेस पर। आयुपैक क्या होता है, ये हमारे पास स्टैंड करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुपैक का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन रूल्स की बेस पर हम जो कंप्लेक्स कंपाउंड है उन्हें नाम देते हैं। बेटा रूल्स क्या है, पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ कंप्लेक्स कंपाउंड लेकर उनके नाम बना के देखेंगे। तो पहले आपको रूल याद करने पड़ेंगे। इन रूल को याद करने के लिए लाजमी है कि जो आपको लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ाया था कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड, आपको वो आना चाहिए। उसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने कंप्लेक्स कंपाउंड को नाम देना है तो पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। हमेशा जो भी कोई कंप्लेक्स कंपाउंड होगा, उस कंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा कैटाइन और एक होगा एनाइन। बेटा एक चीज याद रखो, हमेशा कैटाइन को, हमेशा पॉजिटिव आयन को पहले नाम दिया जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा कि कैटाइन्स आर नेम फर्स्ट देन द एनाइन, कैटाइन का नाम पहले लिखा जाएगा। ये मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड लिखा है FeCl2। FeCl2 इसमें क्या होगा, जो Fe होगा ये पॉजिटिव है। एक और आइडेंटिफिकेशन है, कॉमन सी बात है कि जो चीज, जो एलिमेंट पहले लिखा होता है वो होता ही पॉजिटिव है, तो पहले हमें उसी का नाम लिखना पड़ेगा। तो कैटाइन्स का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, Fe का। तो ये लिखा हुआ है Fe क्या होता है, आयरन, आयरन 2 क्लोराइड। ये 2 क्या है, 2 एक्चुअली आयरन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर FeCl2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 एक्चुअली किसके लिए होगा, आयरन के लिए होगा। तो जितनी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसे साथ दिखाया जाता है, बन जाएगा आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में नेगेटिव जो होगा उसे बाद में लिखेंगे। कैसे करते हैं हम आगे सीख लेंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि कैटाइन्स ये पॉजिटिव है, इसे पहले नाम देंगे, जबकि नेगेटिव को बाद में नाम दिया जाता है। तो कैटाइन, जितने भी हम आगे रूल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप ये ख्याल करोगे, जब भी नाम देना देंगे तो पहले कैटाइन्स को नाम देंगे, पहले पॉजिटिव आयन को नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। आपने लिगेंड्स पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारे पास दो चीजें होती है, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड को नाम कैसे देते हैं बेटा, लिगेंड्स 3 तरह के हो सकते हैं। लिगेंड जो है न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। इन तीनों के लिए लिगेंड्स के नेम में फर्क होगा। क्या फर्क होगा बेटा, पहली बात न्यूट्रल, अगर तो लिगेंड होगा न्यूट्रल, नो स्पेसिफिक एंडिंग, तो नाम वैसे का वैसा आएगा लिगेंड का। कैसे, जैसे NH3, अगर आपके पास कंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर NH3 दिया हुआ है तो ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका नाम वैसे का वैसा लिखा जाएगा, तो NH3 का नाम अमाइन लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह वाटर H2O, ये भी न्यूट्रल है, अगर ये भी लिगेंड होगा तो इसका नाम एक्वो लिखा जाता है, एक्वो ये हम लफ्ज याद कर लेंगे, इसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर लिगेंड होगा नेगेटिव, अगर लिगेंड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, जैसे Cl नेगेटिव है या Cn नेगेटिव है, अगर लिगेंड होगा नेगेटिव तो उसके नाम के एंड पे O का वर्ड लिखा जाता है। क्या लफ्ज लिखा जाएगा, O, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता क्या बन जाएगा, क्लोरीन से क्लोरो बन जाएगा। एंड में क्या लगा देंगे लफ्ज, एंड के अंदर O का वर्ड लगा देंगे, O का वर्ड ये शोर करेगा कि ये लिगेंड नेगेटिव है, क्लोरो। इसी तरह सीएन नेगेटिव तो सियानो, एंड के साथ ओ का लफ्ज, अगर एंड के अंदर ओ का वर्ड आएगा तो इट मीन कि ये नेगेटिव लिगेंड है। क्लियर है। नेक्स्ट, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत कम होता है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर लिगेंड होगा पॉजिटिव तो उसके लास्ट, उसके नाम के एंड में लफ्ज लिखा जाता है IUM, जैसे NO पॉजिटिव है तो इसका नाम नाइट्रो से नाइट्रोनियम बन जाएगा, नाइट्रोनियम। एंड में क्या लगा दिया, एंड में हम इसी से लगा सकते हैं IUM लगा दिया, नाइट्रोनियम।
तो अगर नाइट्रोनियम होगा इट मीन पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव के लिए एंड में ओ होगा, जबकि न्यूट्रल के लिए कोई चेंज नहीं करेंगे। तो पहले आपको लिगेंड्स के बारे में याद कर लें, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इसके साथ हम लिगेंड के साथ डाई का, ट्राई का, टेट्रा का वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो सिर्फ क्या होगा, उसके नंबर को शो करेगा। अगर लिगेंड दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा का वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड होता है और साथ में सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे देंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे देंगे, तो वो कहता अगर इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिव और न्यूट्रल, दो कंडीशन लिखी है उसने कि अगर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ये लिखा हुआ है, ये स्फीयर है जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसके ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव कि नो चार्ज, कोई भी चार्ज ना हो, तो इसके अंदर जो मौजूद होगा मेटल एटम तो उसका नाम वैसे का वैसा लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम वैसे का वैसा लिखा जाता है, लेकिन एक कंडीशन में चेंज करते हैं, कब, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ जाए नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो इसके अंदर जो मौजूद होगा मेटल, तो इसके नाम के एंड में लफ्ज लिखा जाता है ATE का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एट द एंड ऑफ मेटल एटम। नेगेटिव होगा तो ATE, अदरवाइज वैसे का वैसा। तो सेंट्रल मेटल को वैसे तो हम वैसे का वैसा देते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल का नाम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, कि पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज नेगेटिव होगा तो सेंट्रल मेटल के एटम के एंड में लगा देंगे ATE का वर्ड, अदरवाइज वैसे का वैसा नाम आएगा। इसके बाद लास्ट बात करते हैं नेक्स्ट नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बात कर रहा हूं बार बार, ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना और इसके जो एलिमेंट्स है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। वो कहते हैं कि अगर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है मेटल, दूसरा है लिगेंड। अब दोनों में से पहले किसे नाम देंगे, पहले हम नाम देते हैं लिगेंड्स को, पहले नाम किसे दिएगा लिगेंड्स को, लिगेंड्स नेम फर्स्ट, और अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा हो तो फिर हम उन्हें नाम देते हैं अल्फाबेटिकली, जो पहले आएगा उसका नाम पहले होगा, यानी ABC में जो पहले आएगा उसके हम एग्जांपल देख लेंगे। तो लिगेंड्स नेम इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इसके बाद लिगेंड्स के बाद फिर हम क्या करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को नाम देते हैं, और साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा जाता है। बेटा मैंने कुछ रूल आपको पढ़ाए हैं, अब हम कुछ एग्जांपल के जरिए दोबारा इसे रिवाइज करते हैं, अब करना आसान होगा आप लोगों के लिए। कैसे, हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, इसका नाम बताना है। बेटा इसका नाम कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात हमने पहला रूल पढ़ा है कि पहले हम किसे नाम देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इट मीन ये K क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और FeCN स्फीयर क्या बन जाएगा नेगेटिव। ये नीचे 4 लिखा हुआ है ना, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, इस क्रॉस में होता है, तो मतलब कि K पॉजिटिव है या स्फीयर नेगेटिव बन जाएगा, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। पहला हमेशा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, तो K पॉजिटिव होगा जबकि ये हमारे पास क्या होगा स्फीयर नेगेटिव, तो पहले नाम किसे देंगे पॉजिटिव को, तो K का नाम K किसे कहते हैं, K मतलब पोटाशियम, तो पहले नाम किसका देंगे, हमने पहला रूल फॉलो कर लिया केटाइंस आर नेम फर्स्ट, केटाइंस को हम पहले नाम देते हैं पोटाशियम। उसके बाद अब आ जाओगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड है और सेंट्रल मेटल है, आप देखोगे कि इसके अंदर लिगेंड मौजूद है, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है CN- और अभी हमने बताया था आपको लिगेंड्स के नाम में, लिगेंड कौन सा हमारे पास यहां पर नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव वाला लिगेंड क्या होता है, नेगेटिव वाला लिगेंड के एंड में लव्स लिखा जाता है ओ का, और ये है सियानो, ओ लगा देंगे, सियानो का वर्ड लगाएंगे, और ये है कितने 6 है, हेक्सा सियानो बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा पोटाशियम हेक्सा सियानो, मैंने ओ का वर्ड लगा दिया। ओ का वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि लिगेंड जो है वो नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ हमेशा ओ का वर्ड आता है, पोटाशियम हेक्सा सियानो। उसके बाद अब नाम देंगे मेटल का, मेटल का नाम क्या होता है, वैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है फेरम है, आयरन है ना, फेरम कहते हैं इसे, लेकिन अब सेंट्रल मेटल का नाम वैसे तो नॉर्मल होता है, अगर स्फीयर के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज
तो फिर इसके नाम के एंड में क्या लिखा जाता है, एटी। तो फेरम से क्या बन जाएगा, फिरेट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पोटाशियम हेक्सासियानो फिरेट। क्या लगा दिया इसके नाम के एंड में, मैंने ए टी ई लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ए टी ई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो पोटाशियम हेक्सासियानो फिरेट ये बन जाएगा। बाकी एफ ई की विलंसी बतानी है बेटा, एफ ई की विलंसी कितनी होगी। अब एफ ई की विलंसी अगर निकालनी है तो कॉमन सी बात है कि आप क्या करोगे, इस एफ ई के अलावा बाकी जितने भी हैं उनके प्लस माइनस को आपस में खत्म कर दो। अब देखो सी एन माइनस वन होता है, लेकिन है कितने, छह है, तो क्या बन जाएगा, माइनस सिक्स। उसके बाद के है हमारे पास, के पॉजिटिव है, के है कितने, चार, तो क्या बन जाएगा, के प्लस फोर। तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा। तो टू जो होगा, ये टू का माइनस लगाएंगे हम, सिर्फ क्या लगाएंगे, टू जो होगा ये इसका क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या किया मैंने, लिगेंड इसके ऑक्सीडेशन नंबर और जो पहले मेटल लिखा था इसके ऑक्सीडेशन नंबर चार थे, ये छह थे, प्लस फोर था माइनस सिक्स था, तो बाकी टू बचा, तो टू क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाम बन जाएगा पोटाशियम हेक्सासियानो फिरेट टू बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे मजीद क्लियर होगा। अब देखिए यहां हमारे पास एक और लिगेंड लिखा हुआ है, एक और हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पहले देखो इसमें प्लस और माइनस। अब देखो ये सारे का सारा स्फीयर पॉजिटिव होगा, पहले आ गया ना, और जबकि SO4 क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस तरह बन जाएगा। तो स्फीयर पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, पहले नाम किसे देंगे, पहले नाम दे देता हमारे पास जो पॉजिटिव होता है, इसे पहले नाम देंगे। अब इसके अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे लिखे हुए बेटा, ये सारे के अंदर मेटल सिर्फ एक ही होता है, ये जो पी टी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है पी टी प्लाटिनियम, ये सिर्फ होगा सेंट्रल मेटल, बाकी सारे के सारे लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स कौन सा, इसके अंदर क्लोरीन लिगेंड है, नाइट्रो लिगेंड्स है और अमाइन एनएच थ्री लिगेंड है, तीन लिगेंड्स हैं। अब इन तीनों को नाम देना, अब लिगेंड एक से ज्यादा है, पहले किसे नाम दूं बेटा, ये बताया था हमारे पास लिगेंड्स को जब नाम देते हैं तो लिगेंड्स नेम इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली देखेंगे पहले कौन सा आता है, NH3 इसका नाम होता है अमाइन, ये आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे, और अमाइन NH3 ये न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वैसे का वैसा नाम आएगा अमाइन होता है, ये A से बनता है। उसके बाद है NO2, NO2 जो है इसका नाम, इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, तो इसके नाम में क्या आएगा, ओ का वर्ड नाइट्रो, ये नाइट्रो है, जबकि Cl नेगेटिव होता है, सीएल भी क्या होता है नेगेटिव, तो इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरो, ये तीन लिगेंड्स हैं, क्लोरो नाइट्रो और अमाइन, तीन लिगेंड्स हैं। अब नाम लिखना है, पहले कौन सा आएगा बेटा, पहले ए वाला आएगा, अल्फाबेटिकली है ना, तो अमाइन आएगा, कितने अमाइन है, चार, तो नाम बन जाएगा टेट्रा अमाइन, पहले क्या नाम लिखोगे, टेट्रा अमाइन, पहले टेट्रा अमाइन का वर्ड आएगा। ए के बाद क्या आएगा, सी का वर्ड आएगा टेट्रा अमाइन, क्लोरीन एक ही है, टेट्रा अमाइन क्लोरो, फिर क्या आएगा, नाइट्रो आ जाएगा, तीन लिगेंड्स से तरतीब से लिखा, पहले लिखा ए वाला, फिर लिखा सी वाला, फिर लिखा एन वाला, टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो आ जाएगा। फिर आप नाम लिखोगे सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल का नाम क्या होता है, प्लाटिनम, इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव ही है, और हमने रूल में पढ़ा था अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा तो नाम वैसे का वैसा आएगा, तो प्लाटिनम आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, बाहर का लिखा हुआ है SO4 सल्फेट, लेकिन यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है साथ में 4, ये 4 कैसे आया बेटा, दोबारा से दोबारा काउंट करना पड़ेगा आपको, कैसे किया मैंने इसे। अब यहां पर देखो जितने हमारे पास प्लाटिनियम के अलावा जितने भी तमाम ने प्लस माइनस कर दो, क्लोरीन कितने, क्लोरीन इसके अंदर माइनस वन है, नाइट्रो कितना है, माइनस वन है, उसके बाद अमाइन तो न्यूट्रल होता है, SO4 कितना होता है, माइनस टू होता है, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस टू, ये भी माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस फोर, तो फोर के बन जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या किया, प्लाटिनियम के अलावा बाकी तमाम क्लोरीन नाइट्रो अमाइन तो न्यूट्रल इसे नहीं शामिल करेंगे, जबकि SO4 माइनस टू होता है, इन सबको प्लस माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये हमारे पास लिगेंड का नाम दिया, फिर मेटल का नाम दिया, फिर एंड में जो बाहर लिखा होगा नेगेटिव वाला। लास्ट एग्जांपल करते हैं, कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है,
ये हमारे पास कम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है, नेगेटिव आयन है। इसका नाम कैसे देंगे? सिंपल है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और नेगेटिव है। पहले लिगेंड का नाम लिखो, फिर मेटल का नाम लिख दो। लेकिन मेटल के नाम के एंड में क्या होगा? नेगेटिव है ना, तो इसके एंड के नाम में ए टी ई लगाना पड़ेगा, ए टी ई का वर्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था रूल के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा तो एंड में ए टी लगाएंगे। निकल से निकलेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? सियानो है सी एन, ये माइनस होता है, तो टेट्रासियानो, टेट्रासियानो निकलेट ए टी ई का वर्ड लगा देंगे। क्या लॉज लगा देंगे साथ में? ए टी ई मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, निकलेट ऊपर जो चार्ज होगा टू है तो टू लिख देंगे, टू आइन बन जाएगा। तो बेटा कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप, पहले इन रूल्स को देखो, इन रूल्स को देखने के बाद ऐसे कुछ और कंपाउंड्स जो एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें तो ये आसानी के साथ हो जाएगा। पहले आपको लाजमी है कि लिगेंड्स मेन चीज है, आपके पास जो लिगेंड्स है ना उनके नाम याद करो और उनके ऊपर चार्जेस याद कर लो, अगर वो याद हो जाएंगे तो बाकी करना आसान होगा। अल्लाह हाफिज़।